नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। स्पुतनिक वी के तौर पर दुनिया को पहली कोविड वैक्सीन देने वाले रूस में अचानक से फिर से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को 973 लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवाई। वहीं सरकार का कहना है कि कोविड शुरू होने से अब तक का ये रिकॉर्ड मौतों का आंकड़ा है। इस महीने कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को रूस में कोरोना के 28,190 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं रूस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने अब तक 78,00,000 लोगों में कोविड के मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा महामारी की वजह से अब तक 2,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की स्टेटिक्स एजेंसी रूस स्टार्ट ने भी बताया है, कोविड और अन्य बीमारियों को मिलाकर कोरोना काल में कुल 4,17,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और इसके पीछे सरकार का मानना है कि टीकाकरण की गति धीमी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। रूस की कुल आबादी की बात करें तो लगभग 14.6 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 4.78 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, वहीं 4.24 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। रूस में बढ़ते हुए कोविड मामलों और मृत्यु के बावजूद क्रेमलिन ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया है। हालांकि सरकार ने राज्यों के साथ बातचीत करते हुए बात कही है। रूस के कुछ स्थानों पर सभाओं, समारोह, थिएटर, रेस्टोरेंट आदि में लोगों के जमावड़ों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और अन्य शहरों में आम जनजीवन सामान्य बना हुआ है। व्यापारिक संस्थान खुले हैं, लेकिन इन सभी शहरों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन नहीं होने की वजह से एक बार फिर से रूस में कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल में ही रूस की उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा ने कहा कि रूस में कोविड की वजह से वो लोग ज्यादा मर रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में कोरोना की मौत कम हो रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि अभी किसी भी स्थान पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, हालांकि कड़े नियम और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को मॉस्को में कोरोना के गंभीर मामले कोविड के गंभीर मामले 5,002 तक पहुंच गए थे, जबकि इसके ठीक एक दिन पहले तक गंभीर मामलों की संख्या 4,610 थी। मॉस्को में प्रतिदिन कोविड की वजह से 6 से 10 लोगों की मौत हो रही है, जिसे लेकर रूस की सरकार और स्थानीय सरकारें भी काफी चिंतित नजर आती हैं। लेकिन पहली वैक्सीन बनाने वाले रूस में बढ़ रहे कोविड के मरीजों की वजह से सारी दुनिया एक बार फिर से चिंतित हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि हाथों को धोते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। अधिक जानकारी के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।